नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के अंतर्गत मनी माजरा थाना पुलिस और मौली जागरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि मनी माजरा थाना पुलिस को बीते दिनों पंचकूला निवासी मनीष बंसल ने शिकायत दी थी कि उन्होंने 35 वर्षीय संजीत मंडल को आभूषण तैयार करने के लिए 168 ग्राम सोना दिया था। आरोपी संजीत मंडल कल्याण एक काम कर रहा था, जब मनीष बंसल 6 सितंबर शाम 4 बजे वह अपना आभूषण वापस लेने गया तो देखा कि संजीत मंडल भाग गया और कहीं नहीं मिल रहा है। उन्होंने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन वह उसका पता नहीं लगा सके और फिर यह पता चला कि संजीत मंडल अन्य व्यक्तियों का लगभग 400 ग्राम सोना भी लेकर भाग गया है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने ही आरोपी के आरोपों से कई बार फोन पर भी संपर्क साधना चाहा, पर आरोपी का फोन बंद था। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत मनी माजरा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए नॉर्थ ईस्ट डीएसपी अभिनंदन पी के नेतृत्व में थाना प्रभारी नीरज सरना समेत अन्य पुलिस कर्मियों की टीम गठित की। जांच के दौरान मास्टर टेक्निकल मॉनिटरिंग सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई और कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद पुलिस पार्टी को पश्चिम बंगाल भेजा गया और 35 वर्षीय आरोपी संजीत मंडल 35 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी संजीत मंडल को जिला अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड हासिल की। पुलिस रिमांड के दौरान आपकी कब्जे से चोरी किया गया सोना बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी संदीप मंडल ने वर्ष 2011 में क्रिकेट आईपीएल मैच में जुआ खेलना शुरू किया था और करीब 8,50,000 रुपए हार गया था। इसके बाद वर्ष 2023 में उन्होंने फॉरेक्स और शेयर बाजार में भी निवेश शुरू किया और जिसमें लगभग 8,50,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। 11 लाख शेयर बाजार में डूबी रकम वापस पाने के लिए उसने सोना चुरा कर बेचने की योजना बनाई थी। डीएसपी अभिनंदन ने लोगों से अपील की कि वह शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह सोच समझ कर करें क्योंकि उनका पैसा फंस भी सकता है। दो अच्छे गुंडों हुआ हमारा मणिमाजरा सब डिविजन में, ऐसे जो मणिमाजरा नीरज सर और ऐसे जो मौली जागरा सपना सर, दोनों अच्छा काम किया है। मणिमाजरा में एक 406 का केस था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें 330 ग्राम का गोल्ड एक ज्वेलर ने लेके यहाँ से वेस्ट बंगाल चला गया था, उसको हमने टेक्निकल सर्वेलेंस से ट्रैक करके नीरज शर्मा का टीम ने पकड़ा और 330 ग्राम का गोल्ड फुल्ली रिकवर्ड। ये एक्चुअली एक मर्चेंट है, 20 साल से ये क्या करता है, गोल्ड जो मर्चेंट है इनको गोल्ड देते हैं और ये ऑर्नामेंट्स बनाता है, इज बेसिकली ए ज्वेलर। तो ये एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा पैसा ये बेटिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग में लूज करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐप के थ्रू कर रहा था, ही वॉज नॉट नोइंग द इंट्रिकेसीज ऑफ ट्रेडिंग। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लूज करने के बाद इसका दिमाग में सडनली गार्डन आइडिया था कि गोल्ड लेके मैं बहुत था। तो जो मर्चेंट्स ने जो गोल्ड दिया था इसको लेके कि एक ट्रेन पकड़ के सियलदा चला गया, उसका गांव गया था, गांव से भी 1-30 किलोमीटर आगे एक चिकन फार्म है वहां चला गया था। जो भी गोल्ड इसका कस्टडी में था कुछ गोल्ड यहां छोड़ दिया था, 170 ग्राम कलकत्ता लेके चला गया था वेस्ट बंगाल में, जगह का नाम है जुआ मसीना करके एक जगह है, एक छोटा सा गांव है, उसका पेरेंट नेटिव है, वहां पे खेत में बरी कर दिया और आगे एक पोल्ट्री फार्म चला गया था, वहां से इसको पकड़ के लाया, वहां 170 ग्राम भी रिकवर कर दिया और बाकी ग्राम से यहाँ जो इसका कमरा है ललिता ज्वेलर्स है कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर एक कमरा है इसका, वहां से रिकवर कर दिया, टोटल 330 ग्राम रिकवर्ड है। और दूसरा केस एनडीपीएस रॉन्ग सेक्ट का है, अक्यूज का नाम अरुण कुमार है, एक्चुअली हैप्पी सोनकर करके एक बंदा है, ये बेसिकली बल्टाना से है लेकिन राजीव गांधी में इसका अड्डा है जहाँ ये ड्रग्स बेचता है। तो ये दोनों कहीं से प्रोक्यूर किए हैं, नेबरिंग स्टेट से प्रोक्यूर किया था और हैप्पी ने इसको दे दिया अरुण कुमार को, इसको बल्टाना से राजीव गांधी पहुंचाने के लिए। रायपुर खुद में पेट्रोलिंग पार्टी ऑफ मौली जागरा स्पॉट किया था इसको, थोड़ा सस्पिशियसली बिहेव किया है, तो फिर उसको जब पकड़ के चेक किया था इसका एक्टिवा में आगे 20 किलो गांजा था और इसका पैंट में एक देसी कट्टा है 7.62 mm का और 6 गोली मिला, यही दो केस में। हाँ, जो अरुण कुमार है इसका एक अटेम्प्ट मर्डर केस है, 302 केस मर्डर केस है पंचकुला में,
अरुण कुमार के, और संजीत मंडल जो गोल्ड का जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था वो फर्स्ट टाइम अपन था, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। ही वॉज एक्चुअली ट्रस्टेड पर्सन, 20 साल से ये काम कर रहा था, उसके लिए मेटल स्टेज को ट्रस्ट करके इतना गोल्ड दे रखा था काम। वो सामान लेके कहाँ जा रहा था? वो तीसरी बात गोल्ड, ये कैलकाटा, कैलकाटा से इसका गांव है कैलकाटा में, वहाँ पे गोल्ड की काफी बड़ी मार्केट है, तो इसने सोचा था कि मैं इसको पार्ट्स में वहाँ जाके सेल कर दूंगा, ये वहाँ ले गया। कितने सुनारों में ये 6 सुनारों का सामान था टोटल, इसमें कंप्लेनेंट है मिस्टर मनीष बांसल, सारे मनी माजरा के ही गोल्ड ज्वेलर्स हैं, सुनारे हैं जो काम करते हैं, ये बेसिकली इसको रॉ गोल्ड देते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, तो काफ़ी ट्रस्टेड आदमी था इनका, पिछले 20 साल से मार्केट में काम कर रहा था, तो अचानक से इसके गायब होने से थोड़ा मार्केट में पैनिक हो गया था। सर रिकवरी जो शिकायत दर्ज हुई, करीब 400 ग्राम गोल्ड की शिकायत दर्ज हुई, रिकवरी आप बता रहे करीब 300 ग्राम के आसपास हुई है। एक्चुअली इसमें काफी ज्यादा मर्चेंट्स है, उसमें एक मर्चेंट 80 की जगह 80 लिख दिया था, जो 400 ग्राम गोल्ड बना था, जो एक इसमें कंप्लेनेंट है, वन ऑफ द कंप्लेनेंट, उसने अपना 80.6 ग्राम गोल्ड लिखवाया था, तो जब बाद में उसने चेक करा एक्चुअली इट वॉज 8.6, तो वो 72 ग्राम्स का वो डिफरेंस है, अदरवाइज ऑल द मर्चेंट्स की 100% रिकवरी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।